मध्य प्रदेश बास्केटबॉल संगठन के चेयरमैन और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय द्वारा कक्षा में बताया कि आगामी 4 दिसंबर से 10 दिसंबर तक बास्केटबॉल कॉम्प्लेक्स में 71 की राष्ट्रीय जूनियर बास्केटबॉल स्पर्धा का आयोजित किया जाएगा। कई वर्षों के बाद बास्केटबॉल में इंदौर को मेजबानी करने का मौका मिला है। नमस्कार, सभी पत्रकार मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। ये हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है और सौभाग्य की बात है कि इंदौर को 12 वर्ष बाद एक बार फिर से बास्केटबॉल की नेशनल कंपटीशन करने का अवसर प्राप्त हुआ, मेजबानी करने का अवसर मिला है। 12 साल पहले यहाँ पर नेशनल इसी ग्राउंड पर नेशनल स्पर्धा हुई थी, उसके बाद ये अवसर अभी प्राप्त हुआ है। आप सभी जानते हैं इंदौर मेजबानी के लिए बहुत फेमस है, तो इंदौर की मेहमान नवाजी बहुत अच्छी हो हमने इस बात की चिंता की है। लगभग 28 प्रांतों से 56 टीमें आने वाली हैं यहाँ पर। हमने कोशिश की है कि पूरे कोविड के प्रोटोकॉल का पालन किया जाए और हम यहाँ पर मास्क भी प्रत्येक खिलाड़ी को यहाँ पर वितरित कर रहे हैं। दर्शकों से भी आग्रह करेंगे कि पूरी स्पर्धा को अगर देखें तो प्रोटोकॉल कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करें। इंदौर में कई वर्षों बाद 28 राज्यों के 1000 से ज़्यादा खिलाड़ी देश की सबसे स्वच्छ नगरी इंदौर में आ रहे हैं। वहीं इंदौर मेजबानी में भी अपना एक अलग ही छाप रखता है। कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि हमारे देश में बास्केटबॉल स्पर्धा में काफ़ी ही कम रुझान है। बास्केटबॉल विदेशों में काफ़ी प्रचलित है, अन्य खेलों की अपेक्षा में एक है। देश में बास्केटबॉल को लेकर खिलाड़ियों को जागरूक करने के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। ऐसे में इंदौर में आयोजित कार्यक्रम कई खिलाड़ियों को जागरूक करेगा। कार्यक्रम में कोरोना की गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। गिल साहब इसका जवाब देंगे, ये गिल साहब खुद नेशनल खिलाड़ी रहे, इंडिया टीम से खेले हैं लगातार। अभी बास्केटबॉल एशिया में जो है फर्स्ट 8 में स्टैंड करता है और जूनियर और उस लेवल पे भी काफ़ी अच्छे इंडियन टीम का परफॉर्मेंस है। अभी हमारे यहाँ के कुछ खिलाड़ी जो NBA अमेरिका का जो सबसे पॉपुलर है वहाँ पर जाकर भी अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं और बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया जल्दी ही एक लीग चालू करने वाला है, प्रोफेशनल लीग, तो निश्चित ही उससे आने वाले समय पे एशिया ही नहीं बल्कि और ओलंपिक लेवल पे भी उम्मीद है कि इंडिया बहुत अच्छे लेवल पर अपना परफॉर्मेंस देगा।